हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म। और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में अपन को कुछ चीजें पता चली थी, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है ना, कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस कहलाती है, ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और जो मैग्नेटिक एक्सिस, ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ को कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है ना। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज द इमेजिनरी लाइन व्हिच कनेक्ट ज्योमेट्रिकल नॉर्थ टू ज्योमेट्रिकल साउथ, ठीक है। ऐसे जो इमेजिनरी लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करती है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। इनके बीच का एंगल भी निकालिए, बताया था आपको 11.3 डिग्री होता है। ओके, जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो बार मैग्नेट के साउथ पोल की ट्रैक करता है, और जो साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल होता है अर्थ का वो आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सिंपलिस्टिक के लिए जो नॉर्थ डायरेक्शन में था उसको नॉर्थ पोल दिया गया था, साउथ में था उसको साउथ पोल दिया गया था। बट ये साउथ की तरह करता है और ये किसकी तरह करता है? नॉर्थ की तरह करता है। ओके, इसके बाद दो टर्म और हैं, एक तो है ज्योमेट्रिक मेरिडियन और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेरिडियन क्या होती है बेटा? ये वर्टिकल किसी भी पॉइंट से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जो ज्योमेट्रिक एक्सिस को कंटेन करता हो, ज्योमेट्रिक एक्सिस से पास होता हो, उसको क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मेरिडियन। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मेरिडियन? इट इज द वर्टिकल प्लेन एट ए पॉइंट व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ अर्थ, इज नोन एज ज्योमेट्रिक मेरिडियन। एज ए मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है बेटा? द वर्टिकल प्लेन एट ए पॉइंट व्हिच इज पासिस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, जो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ से पास हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन किसी भी पॉइंट पे क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या डेफिनेशन है बेटा? द वर्टिकल प्लेन एट ए पॉइंट व्हिच इज पासिस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड द वर्टिकल प्लेन एट ए पॉइंट व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योमेट्रिक मेरिडियन। अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुकेगी, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है। तो इट इज ऑलवेज स्टे इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन यानी उसी वर्टिकल प्लेन में रुकेगी जिसको अपन मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने पास आता है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो जनरली तीन एलिमेंट्स होते हैं, दीज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द अर्थ मैग्नेटिज्म आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जो अर्थ के जो अर्थ मैग्नेटिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए जो मेन चीजें चाहिए वो उसके तीन एलिमेंट्स हैं बेटा। पहला एलिमेंट इसको बोला जाता है डिक्लिनेशन, दूसरा बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, इसको अपन लिखेंगे बेटा डी से और इसको लिखेंगे आई से, और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लिनेशन की। किसकी बात करते हैं? डिक्लिनेशन की। ओके तो अगर आप किसी मैग्नेटिक मिडिल लो एंड यू अलाउ इट टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली, ठीक है, इफ ए मैग्नेटिक मिडिल इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर कोई मैग्नेट मैं ऐसी लूं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विंग हो सकती है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर स्विंग हो सकती है, तो अगर उसको आप फ्री करके छोड़ोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाकर रुकेगी। तो जो उस मैग्नेटिक मिडिल की एक्सिस है वो जो ज्योमेट्रिक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे मान लीजिए ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने इसके सरफेस पे एक मैग्नेटली हॉरिजॉन्टल आपने उसको करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्विंग हो सकती थी, मान लो इधर होके होगी, तो बेटा जो ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। पहले तरीके से कैसे बोलेंगे, इफ ए मैग्नेटिक मिडिल इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देन द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मिडिल एंड ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वापस से सुनिए क्या बोला जाएगा, इफ ए मैग्नेटिक मिडिल इज फ्री टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मिडिल एंड ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिक मेरिडियन एट पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो दो तरीके से डिक्लिनेशन को डिफाइन किया गया, डिक्लिनेशन पहला इफ ए मैग्नेटिक मिरर इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मिडल एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं बेटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन एट ए पॉइंट। ठीक है अच्छा जी, जो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, अगर मैं इक्वेटर से दूर जाता हूं, इक्वेटर से दूर जाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां किसी यहां आ गया, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो बेटा मैग्नेट ऐसे हो जाएगी क्योंकि इट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो देखो ये एंगल बढ़ता ही चला जाएगा। तो जैसे ही अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंक्रीज होता है, और जैसे ही अपन इक्वेटर की तरफ आते हैं तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो आप इसको फ्री करोगे, फ्री टू स्विंग करोगे, तो ये तो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो इसका ये अट्रैक्शन देखो, ये जैसे हम इक्वेटर पे हैं तो देखो यूं है, अब ऊपर ले जाओगे तो ये पॉइंटेड तो इसी डायरेक्शन में होगी, ये तो हमेशा मैग्नेटिक जो अपना जो मैग्नेटिक मिडिल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में जाता है बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इधर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे देखो ये एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिसको अपन डी से लिखते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अगर आप इक्वेटर, कहां से बेटा, इक्वेटर से किधर जा रहे हो बेटा, पोल की तरफ, इक्वेटर टू पोल, तो डिक्लिनेशन आपका इंक्रीज होता है। और उल्टा अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो ये स्लाइटली सा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू 11.3 डिग्री होती है। चलिए उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट था इंपॉर्टेंट वो था बेटा डिप, एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन जिसको बोला जाता है, आई से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने इतना तो देख लिया। अगर किसी मैग्नेट को, इफ ए मैग्नेट इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इट ऑलवेज स्टे इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुकेगी, क्योंकि वो तो हमेशा अलाइन होगी ना, मैग्नेटिक एक्सिस क्या लो, जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल, वो तो मैग्नेटिक नीडल को छोड़ोगे तो उसको जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो तो उसकी डायरेक्शन में अलाइन होगी। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ। तो इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन इट ऑलवेज स्टे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला अगर उसी मैग्नेट को अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर किसी मैग्नेट को मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर स्विंग होने के लिए छोड़ दूं, देन वो हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे झुक जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल से, जैसे मैं आपको देखो समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है और ये वाली मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो आप मिडिल को फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन यू छोड़ोगे तो वो यू मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाकर रुक जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन में। अगर आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने दें तो ये यूं नहीं रुकेगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा एंगल ऑफ डिप की? एंगल ऑफ डिप इसकी डेफिनेशन क्या दी गई? द एंगल made by, या ऐसे लिख लो, if a magnetic needle is free to swing in vertical plane, then the angle between magnetic axis of needle with horizontal in मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक मैग्नेटिक नीडल लीजिए जिसको फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होने दीजिए, तो मैग्नेटिक फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुक जाएगी, फिर आप उसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ दीजिए तो वो कुछ टेढ़ा भी हो जाती है ना, नीचे की तरफ झुक जाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है बेटा उसको क्या बोला गया? एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या है? इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू स्विंग इन द वर्टिकल प्लेन, देन द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। और बेटा जो ये डिनोट करता है, ये आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करता है। किसकी डायरेक्शन डिनोट करता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड की। चलो मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 3D में एक एलिमेंट बना लेता हूं, ये मान लीजिए ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, आपने इस पॉइंट में एक मैग्नेटिक नीडल रखा जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है, तो क्या नीडल इस तरफ होकर रुक जाएगी? यस सर। देखो, जानी
इस डायरेक्शन में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिससे अलोंग होकर वो रुक गई है। अच्छा दूसरी बात ये समझिए, मैंने इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ा था, तो हो सकता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी झुकने की कोशिश कर रही हो, पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो अपने रेस्ट्रिक्शन डाल रखे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो अपन इसको घूमने ही नहीं दे रहे। अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में घूमने देते तो हो सकता है ये वर्टिकल डायरेक्शन में झुकती, पर अभी तो फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन था। यानी ये क्या बताएगा बेटा, ये इधर रुक रही है, ये बताएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है, यानी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, जिसने आपने क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री टू स्विंग थी, तो जिधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था उधर जाके मैग्नेट रुक गई है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो रेस्ट्रिक्शन डाल रखा था कि अपने सिर्फ फ्री टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जिधर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था ये उस डायरेक्शन में जाके रुक गई। ओके उसके बाद अपन ने इस प्लेन में इसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए डाला, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में यू हो गई। इसका मतलब बेटा ये जो ये डायरेक्शन है ये अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी है? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी अर्थ का देखो आपने मैग्नेट को इधर छोड़ा, जब हॉरिजॉन्टल में फ्री थी तो इधर, वर्टिकल में फ्री है तो इधर, ऐसे यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा देखो ये जो एंगल है ना, ये वाला जो आपका एंगल है ठीक है, इसको तो बोला जाता है बेटा जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ये मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल ना, इसको बोला गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये नीचे की तरफ ये वाला एंगल बना आपका, ये वाला एंगल बोला बना, इसको बोला गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक। ओके नोटेशन इनके अलग अलग हो जाते हैं, किसी बुक में एंगल ऑफ डिक को डी से लिख दिया जाता है, डेल से भी लिख दिया जाता है ना, वो अलग अलग नोटिफिकेशन है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है ठीक है। अच्छा अगर मैं ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूं इस लाइन के, एक तो अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक अलोंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन। इसको बोला जाता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इट इज द थर्ड एलिमेंट। तो तीन एलिमेंट हो गए अर्थ मैग्नेटिज्म के, पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किस किस के बीच में है बेटा, ये ज्योमेट्रिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ बेटा आपका कौन सा, इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक। अच्छा और तीसरा जो कंपोनेंट है वो, ये तीन कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म के। अगर इधर से मैं रिलेशन देखूं, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है BH, तो क्या मैं BH को लिख सकता हूं BE cos I। तो ये BH के साथ एंगल बना रही है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा cos, और ये जो BV आप लिखेंगे तो BV इक्वल टू BE साइन आई, बी साइन आई। अच्छा जी तो ये दो रिलेशन आ गए आपके पास, वन टू, इन दो रिलेशन में कितनी चीजें आपके पास हैं, एक तो है BH, एक है BV, एक है BE और एक है I, कितनी कितनी चीजें हैं आपके पास, देयर आर फोर थिंग्स BH, BV, BE एंड I, एंड हाउ मच रिलेशन यू हैव, टू रिलेशन। तो दो रिलेशन से दो अननोन निकाले जा सकते हैं, दो इक्वेशन से दो अननोन निकाले जा सकते हैं, आपका टोटल अननोन कितने बेटा, चार है। तो यानी आपको दो अननोन गिवन मिलेंगे और दो मतलब दो वेरिएबल आपको गिवन मिलेंगे और दो वेरिएबल आपको निकालने पड़ेंगे। ओके तो कोई भी दो गिवन हो सकते हैं और बाकी कोई भी दो आपसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, जैसे मान लो मुझे BH और BV गिवन है, यानी ये दोनों गिवन है और किसी ने मेरे से ये दोनों पूछ लिए, वैसे तो कोई भी दो गिवन हो सकते हैं, बाकी बचे हुए दो कोई भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपको BH और BV गिवन है, तो मैंने देखो सिंपल सा किया, सबसे पहले देखो BH और BV अगर आपको गिवन है तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया, तो देखो इधर कितना हुआ बेटा BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, और इधर कितना हुआ बेटा BE का स्क्वायर। चलो ये रूट हटा देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या, तो इधर से इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में से देखो ये टर्म तो कॉमन आ जाएगी, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, देन द BE आपका जो होगा वो होगा रूट का BH प्लस का BB स्क्वायर। देखो BH और BB देर था तो आपके पास B निकलाया, ऐसे ही अगर आप 2/1 कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 करेंगे उधर से,
तो देखो 2/1 करेंगे तो इधर बचेगा आपका BV और by BH, उधर से देखो B कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास tan I, दिस देखो तो आपके पास आपको BH भी गिवन है, तो देखो I भी निकल जाएगा, B भी निकल जाएगा, और उल्टा दिया होता अगर आपको BE और I दे रखा हो, आपको अगर BE और I दे रखा हो, तो BE और I दे रखा है तो BH निकल जाएगा, BE और I दे रखा है तो BB निकल जाएगा। ऐसे कोई भी आपको चार में से दो कंपोनेंट दे सकता है, बाकी तो आपको निकालने पड़ेंगे। चलिए जी, जैसे मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए किसी जगह पे एक जो मैग्नेटिक नीडल थी उसको फ्री टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन छोड़ा मैंने, फ्री टू स्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि एक नीडल को, कि चल छोड़ो, सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको एंगल ऑफ डिप मान के दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। लैंग्वेज में देगा तो कैसे देगा, एक मैग्नेटिक निडल मेक 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, एक मैग्नेटिक निडल मेक 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो या आप कैसे बोलेगा, इफ ए मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू स्विंग इन द वर्टिकल प्लेन देन इट्स मेक एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, और आपको दिया कि मान लीजिए जो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उस जगह पे, वो मान लीजिए दिया 0.62 गॉस, और आपको पूछा बताइए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आप सिंपल सा रिलेशन निकाल दीजिए, आप जानते हो कि BH इक्वल टू होता है बेटा BE कोसाइन, ठीक है। तो वापस एक बार क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, लैंग्वेज पूरी सुन लीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या था, इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू स्विंग इन द वर्टिकल प्लेन देन इट्स मेक 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, एट दैट प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.026 गॉस, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, इस जगह पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपने लिखा BH इक्वल टू दिस, तो BH के लिए क्या आपको दे रखी है सर जी 0.26। अच्छा जी, BE आपको सर जी निकालना है, अच्छा cos I यानी cos ऑफ 60, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.26 इक्वल टू BE cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो जो BE की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.52 गॉस। क्या बात समझ में आई आपको, ओके चलिए जी। उसके बाद इस टाइप के, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें दे रखी थी, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें दे रखी थी, एक तो देखो आई दे रखा था 60 डिग्री, और एक दे रखा था आपको BH 0.26। तो मैंने कितनी चीजें दे रखी थी बेटा आपको, दो चीजें दे रखी थी, और पूछा क्या था मैंने BE, और चाहता तो मैं BV भी पूछ सकता था, ये दो चीजें मैं पूछ, देखो दो चीजें गिवन होंगी, ज्यादा ज्यादा आपसे दो चीजें पूछ सकता है। ये अभी आपने निकाल लिया 0.52 गॉस आ ही गया था, ये निकलवाते ये पूछते थे ये भी निकल जाता, तो यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये था यू हैव टू इक्वेशंस एंड फोर वेरिएबल्स, तो फोर वेरिएबल्स में से आपको दो गिवन मिलेंगे जैसे इस क्वेश्चन में गिवन थे, और बचे हुए दो पूछ सकता है, तो कोई खास बात नहीं, बचे हुए दो निकाले जा सकते हैं, ओके। चलो भाई अगला देखो, एक टॉपिक आता है बेटा जिसको बोला जाता है एपरेंट डिप, एपरेंट डिप, एपरेंट डिप, ओके। चलिए जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन है, तो अगर किसी मैग्नेट को आप फ्री टू स्विंग छोड़ेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल, फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन छोड़ेंगे तो वो तो उसी डायरेक्शन में जाती होगी ना जिधर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो आपने फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन छोड़ा, अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाके रुकेगी। अगर आप इसको वर्टिकल स्विंग होने के लिए भी छोड़ देते, चलो मैं इसका समझाता हूं, देखो ये BH मान लीजिए अभी 2D में बनाते हैं, अच्छा, और
इस डायरेक्शन में मैग्नेट को फ्री टू स्विंग आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में छोड़ा तो इस डायरेक्शन में जाके रुक गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल में भी स्विंग फ्री टू स्विंग कर देंगे तो वो इस डायरेक्शन में रुक जाएगी, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा, ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो प्लेन है ना ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। आराम से देखो, कोई खास बात नहीं है, इजी चीज है। देखो मैंने इस जगह पे अगर किसी मैग्नेट को मैं फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टल प्लेन छोड़ूंगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाकर रुकेगी जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, यानी जैसे मान लो इधर है तो इधर रुकी। फिर मैंने अगर उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री कर दिया तो वो थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे जाकर रुक जाएगी। उसकी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, ये जो ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अभी मान लीजिए अर्थ का इस जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है। अगर मैंने इससे थीटा एंगल पे कोई प्लेन लिया, इससे थीटा एंगल पे कोई प्लेन लिया और इस प्लेन में मैग्नेट को वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ा, इस प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ा, तो देखो यहां पे इस जगह पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा BH, और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये BB। इस डायग्राम को बेटा मैं पलट दे दूँ, BB अंदर हो गया है और BH ऐसे इस जगह ना, इस मान लो इसको ऐसे कर दूँ कि ये BH हो गया और ये BB। अच्छा, मैंने इस बार मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं छोड़ा इसको, मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल पे एक प्लेन लिया। मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैंने इस अगर इस प्लेन में आप फ्री टू मान लीजिए देखो इसी लाइन को बनाया जैसे हॉरिजॉन्टल बनाया, ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगर इस प्लेन में मैं फ्री टू स्विंग छोड़ूंगा तो जितना एंगल का भी डिफ्लेक्शन आएगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप। अब मान लो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई और प्लेन ले लिया, जैसे ये साइड में प्लेन ले लिया, अगर इसमें मैं फ्री टू स्विंग इन वर्टिकल डायरेक्शन छोड़ूंगा इस मैग्नेट को तब भी ये कुछ एंगल नीचे जाएगी। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है तब ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी उसको बोला जाता है बेटा एपरेंट डिप। क्या बोला जाता है? एपरेंट डिप। तो इफ ए मैग्नेट इज फ्री टू स्विंग इन वर्टिकल प्लेन देन एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज ट्रू डिप, एक्चुअल जो डिप होगी है ना। एंड इफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन इज फ्री टू स्विंग इन वर्टिकल प्लेन बट इट इज नॉट इन मैग्नेटिक मेरिडियन देन एंगल मेड बाय इट्स एक्सिस विद हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एपरेंट डिप। क्या कहलाती है बेटा? एपरेंट डिप। तो देखो मान लीजिए आपने ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके अंदर जब इसको छोड़ा तो इसने मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बनाया तो ये आपकी होगी बेटा ट्रू डिप। जब आपने उसको इस प्लेन में करके वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग करने के लिए छोड़ा तो मान लीजिए उसने एंगल बनाया डेल्टा डैश। कितना बनाया? डेल्टा डैश। तो ये इस प्लेन की एपरेंट डिप कहलाएगी, एपरेंट डिप कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। अब इस डायग्राम को जो देखो हॉरिजॉन्टल समझो, तो इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है BH, BH का इधर कंपोनेंट कितना आएगा BH cos थीटा बोला आएगा। अब जो ये प्लेन देखोगे ये वाला जो प्लेन, इस प्लेन को इधर बना लो, इधर कंपोनेंट है बेटा आपका BH cos थीटा और ये वर्टिकल, बस मैंने इसको यूं खड़ा करके बना दिया। यहां पे कंपोनेंट कितना है बेटा BV, बोलो सही है? ये कितना हो गया BV। और इधर जिस प्लेन में आपने छोड़ा है उस प्लेन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो कंपोनेंट आ रहा है वो है BH cos थीटा। वो कितना है? BH cos थीटा। अगर आप इस डायरेक्शन में इसको उसको फ्री करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में घूमने के लिए तो मान लीजिए वो यहां, क्योंकि मान लीजिए एंगल है डेल्टा डैश। कितना है? डेल्टा डैश। देन क्या आप लिख सकते हैं tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना होगा BV और ये होगा BH cos थीटा। तो आप लिखेंगे BV अपॉन BH cos थीटा। अच्छा, वापस से डायग्राम पे आते हैं। ये BH की डायरेक्शन है किसी जगह पे और ये BV की डायरेक्शन है, ये BH ये BV। ठीक है, इसका साइड व्यू, इसी डायग्राम का साइड व्यू देखना, ये BH है ये BV है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एक्चुअल डिप यानी डेल्टा। तो जो एक्चुअल डिप है वो कहलाती है tan डेल्टा इक्वल टू BV / BH। इसके साथ ही अब मैं इस प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी प्लेन में है, ये तो BH की डायरेक्शन है ही, ये BV की डायरेक्शन है।
मैंने इस डायरेक्शन में फ्री टू स्विंग छोड़ा, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल। तो इस डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट आया, ये आया BH cos थीटा। अब इसका साइड व्यू बना रहा हूं, देखो मैं, तो देखो ये BH वाली लाइन ये होगी BH cos थीटा, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये होगी B। अगर मैं देखूं इसमें कितना एंगल बनेगा, मान लो डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश की वैल्यू, ये वाला डायग्राम तो ये वाला ही बन गया ना, तो डेल्टा डैश की वैल्यू आपके पास आई ये। व्हाट इज दिस, दिस द अपेरेंट डिप एट दिस पॉइंट। तो ये दोनों इसी पॉइंट की बात है, इसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन रखी हुई है। इस पॉइंट पे एक बार तो मैंने उसको मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में फ्री टू स्विंग छोड़ा था, एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे जो प्लेन है उसके अंदर वर्टिकल स्विंग होने के लिए छोड़ा, एक बार तो मैग्नेटिक मेरिडियन में पॉइंट वही है। जब मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन को यूं लिया इसी प्लेन में, और इसको वर्टिकल प्लेन में फ्री टू स्विंग छोड़ा, तो ये यूं झुकी, तो ये एंगल तो कहलाया मेरा एंगल ऑफ डिप टू डिप। अब मैंने ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे अगर मैंने कोई और प्लेन लिया जो इससे थीटा एंगल पे है, उस प्लेन में मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ा, तो ये यूं झुकी, तो ये जो एंगल कहलाया, ये कहलाया इसी पॉइंट पे अपेरेंट डिप। क्या कहलाया? अपेरेंट डिप। अच्छा, तो इस डायरेक्शन छोड़ा तो बताइए, ये इसी पॉइंट की बात है। अब इसी पॉइंट पे मैंने इस डायरेक्शन में करके मैग्नेटिक नीडल को फ्री टू स्विंग वर्टिकल प्लेन छोड़ा, तो ये वाला केस बना। अच्छा जी, तो जो अपेरेंट डिप की वैल्यू आई वो आई थी, और इसी पॉइंट पे एक्चुअल डिप कितनी है बेटा, बीवी बाई बीएच, यानी बीवी बाई बीएच। तो यानी आपके पास आप लिख सकते हो टेन डेल्टा डैश इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, देखिए ये अपेरेंट किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे अपेरेंट डिप और एक्चुअल डिप के बीच में रिलेशन है, जहां पे थीटा क्या है, थीटा ये उस प्लेन के साथ एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन का, जिस प्लेन में आप अपेरेंट डिप निकालना चाह रहे हो, जिस प्लेन में आप क्या निकालना चाह रहे हो बेटा, अपेरेंट डिप। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द प्लेन इन विच वी रिक्वायर टू फाइंड अपेरेंट डिप। फिलहाल कुल मिला के जो आपके पास रिलेशन आ गया, आपके पास जो रिलेशन आ गया वो ये आ गया कि tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। tan डेल्टा डैश क्या है, अपेरेंट डिप एट ए पॉइंट डेल्टा डैश, और डेल्टा क्या है, एक्चुअल डिप एट दैट पॉइंट, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स, कौन कौन से, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन और एक जिसमें आप ये डेल्टा डैश निकाल रहे हो। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे दो प्लेन लिए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे, एक इधर लिया और एक, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक थीटा पे है, तो दूसरा कितने पे हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा एक्चुअल डिप यानी इस प्लेन में वाई मान लीजिए डेल्टा, इस प्लेन में अपेरेंट डिप माने तो मेरे पास आई डेल्टा वन, और इस प्लेन में अपेरेंट डिप नापे तो मान लीजिए आई डेल्टा टू। तो मुझसे बोला गया फाइंड रिलेशन बिटवीन डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा, इन तीनों में बेटा मुझे रिलेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, टू प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, वन ऑफ देम मेक्स थीटा एंगल विद, वन ऑफ देम मेक्स थीटा एंगल विद, या जो भी आप बोल रहे हैं ना, बोलो क्या आपका क्वेश्चन है, टू प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक्स एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद मैग्नेटिक मेरिडियन, इफ द अपेरेंट डिप इन दीज प्लेन्स आर डेल्टा वन एंड डेल्टा टू एंड एक्चुअल डिप इज डेल्टा, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा। चलिए बात करते हैं, अब इस
इस प्लेन में जो अपेंडिक, देखो बेटा अपेंडिक का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो टेन डेल्टा वन, ये इस प्लेन के अपेंडिक है, वो इस जगह पे एक्चुअल डेल्टा यानी टेन डेल्टा अपॉन कोस, कौन सा एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन और इस प्लेन के बीच का एंगल यानी कोस थीटा, यहां पे लिखूंगा टेन डेल्टा टू। तो टेन डेल्टा टू क्या आएगा बेटा, इस प्लेन पे एक्चुअल डेल्टा यानी टेन डेल्टा अपॉन कोस, ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको क्लियरली देखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो टेन डेल्टा टू इज इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, देखो अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, अब इसको रफ कर लेता हूं, देखो आपके पास आ गया टेन डेल्टा वन, टेन डेल्टा वन ये आ गया टेन डेल्टा अपॉन कोस थीटा। तो यहां से जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन टेन डेल्टा वन, लिख सकते हैं बेटा कोस थीटा इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन टेन डेल्टा वन, या मैं इसको लिख सकता हूं कोस थीटा इक्वल टू टेन डेल्टा कोट डेल्टा, सिंपल ऐसे टेन डेल्टा टू लिखो बेटा। आपका सॉल्यूशन कितना आया बेटा, टेन डेल्टा टू इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आप साइन थीटा की जो वैल्यू लिख सकते हो, साइन थीटा वो लिख सकते हो टेन डेल्टा अपॉन टेन डेल्टा टू टेन डेल्टा, या आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू टेन डेल्टा और कोट डेल्टा, एक रिलेशन ये एक रिलेशन, ठीक है दो रिलेशन अपने पास आ गए। अब अपन देखें अगर सिंपली मुझे तो डेल्टा डेल्टा वन और डेल्टा टू में रिलेशन निकालना था, तो आप थीटा को एलिमिनेट कर लो, कैसे करें इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो इधर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बना बेटा वन। इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये होगा बेटा टेन डेल्टा कोट डेल्टा वन का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर, ठीक है अच्छा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वही टेन स्क्वायर डेल्टा कोट स्क्वायर डेल्टा टू। क्या इन दोनों में से टेन स्क्वायर डेल्टा को माना जाएगा, यस सर इन दोनों में से आ जाएगा टेन स्क्वायर डेल्टा, इधर बचेगा कोट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, ठीक है इसको इधर लिया होगा तो वन अपॉन टेन कितना हो जाता है कोट, तो कितना हो गया कोट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, ठीक है अच्छा जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अपेरेंट डिप क्या होता है, एक्चुअल डिप क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिक्लिनेशन क्या था, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टल प्लेन छोड़ेंगे तो उसकी जो एक्सिस के और ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ अर्थ के बीच में जो एंगल बनेगा उसको तो क्या बोला गया था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को फ्री टू स्विंग इन द वर्टिकल प्लेन छोड़ा जाता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है डिप, एक्चुअल डिप। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी प्लेन में उसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए छोड़ा जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसको क्या बोला जाता है, अपेरेंट डिप। और एक्चुअल डिप और अपेरेंट डिप के बीच में जो एंगल रिलेशन था वो तो आपको पता ही है,
tan delta dash is equal to tan delta by cos theta. ये theta क्या है? Angle between given plane and magnetic meridian. ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया था अपन ने. अपन ने दो प्लेन माने थे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे और एक उनमें से मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बना रहा था. तो उन दोनों प्लेन में अगर एपरेंट डिप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ रही थी और जो उस पॉइंट की एक्चुअल डिप है यानी जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप आ रही है वो डेल्टा हो, तो तीनों में रिलेशन ड्राइव करवाया था. आप इस मेथड से तीनों के बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं. चलिए जी, एक पार्ट लगभग जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो गया है. तो पहले इस चैप्टर के पहले पार्ट में अपने मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ, टोरकोन मैग्नेट, ये सब कुछ पढ़ा था. इन मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था. दूसरा ये पार्ट है इसमें अपन ने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है. तीसरे पार्ट में अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल्स पढ़ेंगे, है ना. मेटल्स की क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कितनी कैटेगरी बनेंगी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज के ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, इनके कारण जानने की भी कोशिश करेंगे. ओके चलिए जी, तो आज के लिए बेटा मुझे लग रहा है इतना सफिशियंट है. बाकी का आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा यानी मंडे को. ओके थैंक यू.